व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप वी आर ऑल गुड। आज के इस नए ब्लॉग में गाइस मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस ब्लॉग में गाइस, दिस इज नॉट अ ब्लॉग, आज हम आए हैं बीएनए भारतेंदु नाटक अकेडमी लखनऊ। और आज के इस ब्लॉग में गाइस मैं बताने वाला हूं थिएटर के अंदर क्या सीन होता है। वैसे 2 घंटे का प्ले होता है और आज मैं थिएटर के अंदर का नॉलेज देने वाला हूं। बिकॉज अभी तो 2 घंटे का प्ले है भाई, तो 2 घंटे की मैं वीडियो तो दे नहीं सकता हूं। मैं उस 2 घंटे को भाई 10 से 20 मिनट में या फिर 2 पार्ट में उसको कन्वर्ट कर दूंगा। देखते हैं भाई कैसा सीन होने वाला है। बिकॉज 20 मिनट या 30 मिनट की भी वीडियो मैं निकालने वाला हूँ। बस ये भाई कहना चाहूंगा कि आपको इस वीडियो में मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। और जैसे कि मैं बहुत सी वीडियोस में एक्टिंग से रिलेटेड डाला था, तो आज मैं खुद भी भाई थिएटर आया हूँ। सो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। सो सीधा अंदर मिलते हैं थिएटर के। हाँ तो मेरे अजीज, जिस तरह तुमने अभी अभी हमारा स्वागत किया है, उससे ये साफ जाहिर है कि तुम वो पुराने तौर तरीके बहुत अच्छी तरह जानते हो जो हमारी पुश्तानी तहजीब रही है और इस स्कूल में सिखाए गए हैं। तुमने बड़े ही अच्छे तरीके से बता दिया कि तुम उन तौर तरीकों को बिल्कुल ठीक समझते हो। मुझे तुम सबके इज्जत की रट्टी भर भी परवाह नहीं है। देखिए हम इम्तिहान लेंगे, सवाल भी पूछेंगे, लेकिन ध्यान है सही गलत के फैसले में आपके जवाब ही कसौटी होंगे। मंजूर मंजूर है, ठीक है। मुझे तो मेरे पैसे चाहिए बस। पूछो, चलिए पूछिए। हम पूछेंगे। लंबे लंबे बालों वाले कगरे, पूछ सवाल। मैं भी देखता हूँ कैसे उबलवाते हो एक दूसरे का जवाब। पूछ पूछ ना। अरे पूछता क्यों नहीं बे? वाह क्या शराब है। तो अब इम्तिहान शुरू करते हैं जी। ऐसा बताइए जो फंसा है ना। ये हड़प्पा सिंधु। हाँ तो अब इम्तिहान शुरू होता है। हिस्ट्री ज्यादा सवाल जवाब ने आदेश का तुरंत पालन किया। तशरीफ रखिए। अबे तेरी ताऊस और तेरी तशरीफ गई बाहर में, मैं तो खड़ा ही ठीक हूँ। अबे तेरी अबे मासा। अबे चुनवा दूँगा। अबे बाहर में चुनवाइएगा, हमने सुना है कभी-कभी काट भी लेता। शाबाश, बहुत अच्छे भाई। ऐसा है वासर को, ये चाहते हैं कि हम 2 बातें बहुत अच्छी तरह समझ लें। एक तो ये कि चालू किस्म का रिवायती इम्तिहान वो लिखित रूप में नहीं देंगे, सवालों के जवाब मुंहजबानी देंगे। और दूसरा ये कि वो बैठेंगे नहीं, खड़े रहेंगे। मतलब ये कि उनकी शारीरिक हालत चकाचक है, ठीक है। तो शारीरिक संस्कृति के इम्तिहान में मैं उनको एक्सीलेंट ग्रेड देने की सिफारिश करता हूँ। प्रिंसिपल साहब, जो कि ये सब्जेक्ट खुद पढ़ाते हैं, जरा तस्दीक के लिए उनसे पूछे लेता हूँ। बताइए सर। मैं पढ़ाता हूँ। जी जी जी। हाँ लिखिए। फिजिकल कल्चर जी,
मैं बैठ के जवाब दूंगा। एक बार तो तुम लोगों ने मुझे फंसा लिया, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब की बार मैं अपने कान खुले रखूंगा। सावधानी में, वेरी गुड। सवाल पूछ, सवाल। वाह, आगे बढ़ने की इच्छा सीमित। मेरे सवाल का जवाब दो। ठीक है, पूछो। 30 साला जंग, कितने साला? 30 साला। 30 साला जंग कितनी लंबी चली? मुझे नहीं मालूम। मुझे पता है, तुम्हें जवाब मालूम है। जवाब दो, दो जवाब, उधर देख के दो, उधर देख के। 30 साल। प्रिंसिपल साहब जी, ये क्या तरीका है इम्तिहान लेने का भाई? क्या वो आदमी और वो औरत, वो ये दोनों शिक्षक होके मुझे नकल करने के लिए उससे आ रहे हैं। अच्छा, अभी निपटता हूँ इनसे। थैंक यू जनाब, बैठ जाइए। आप ही तो बोले थे सर। मैं तो फिर बोल लेना, बट पदार्थिक सत्ता को एक इकाई तक घटा दो और एक साल को एक मीटर में तब्दील कर लो। इस तरह एक साल के हुए एक मीटर, तो 7 साल के हुए 7 मीटर। अबे ओए, ज्यादा ताव मत खाओ और चुपचाप अपने सवाल पूछो। मेहरबानी जनाब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अच्छा तो अब आप वासर को साहब ये बताइए, सवाल अर्ज किया घंटा घर की ऊंची लंबी चोटी, जरा तरन्नुम में सुनाइए ना। तरन्नुम में अभी लीजिए। घंटाघर की ऊंची लंबी लंबी चोटी, लगी है घड़ियाल लंबी लंबी मोटी, हो जाती है छोटी जब हम जाते दूर, या फिर है ये नजरों का कसूर। रोमांटिक सीन चल रहा है। अभी बात का ना तो तुम्हारे खोपड़े फोड़ देते, अड़ुओं की तरह बिखर जाते। तुम लोग इसको अरे मैं क्या जानू भला। मैं तो जब कभी घड़ियालों से दूर जाने लगता हूँ तो देखता हूँ कि वो तो और बड़े हो जाते हैं। एक लाइन में जवाब ये है कि तुम मेरे गले की फांसी हो, गधे हो तो। यही है इसका जवाब। सब गुड गुड। ये तो ठीक है, मुश्किल और घुमावदार जवाब, लेकिन कमाल का एकदम। वाह भाई वाह। मां साहब जी, जरा इसका खुलासा। खुलासा दिक्कत है, एक पैग आप भी ले लो। मैं करूंगा खुलासा।
हाथ परीक्षार्थी ये क्या है मेरा मतलब ये क्या चीज है प्रिंसिपल साहब? ए बेटा ये क्या चीज है? अनीस है, अनीस है, हमारी हाथ परीक्षार्थी। हाँ अभी तुमने क्या कहा जरा फिर से कहो। ये क्या चीज है? वाह प्रिंसिपल साहब ये क्या चीज है? जरा ताल लीजिए ना। ये क्या चीज है प्रिंसिपल साहब? जरा अच्छे से ताल लीजिए ना। ये क्या चीज है? 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 सारे का मारे का मप सारे का मप सारे का मारे का मप सारे का मप। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चीज है? ये क्या चीज है? सीधी आइए। क्या चीज है? क्या चीज है? बंद कीजिए। जाम जाम जी जाम। प्रिंसिपल साहब आप तो समझदार हैं, इनको तो कुछ पता है नहीं, एग्जाम तो कब का शुरू हो चुका है। हाँ आपने ताल देखी, आपने नृत्य देखा, हाँ परीक्षार्थी दोनों में तीन है। अब बारी है सुर की। सुर नहीं पापा, सुर 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 शुरू करो। सुर हाँ तो परीक्षार्थी चल जरा आलाप लगा के दिखाओ। कहाँ से? मुंह से। कैसे? अभी बताता जरा उधर घूमो। किधर? इधर। परीक्षार्थी तो सुर में भी उत्तीर्ण है। सुर में भी उत्तीर्ण है। सर जरा आप ही बधाई बजा दीजिए। यस जी। प्रिंसिपल की बधाई है। बधाई जी जी जी। शीघ्र आइए। बम नहीं आ देना बेटा। बस आइए। पैकअप हो चुका है और अब बस अब इधर उधर हो चुके हैं और लास्ट का जो भी सीन है